जेंडर गैप इंडेक्स रिसेंटली रिलीज हुए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में इंडिया का रैंक 146 कंट्रीज़ के बीच में रहा 135, पोअर ट्वेंटी ट्वेंटी 2021 में इंडिया का रैंक था 140 फोर्टी आउट ऑफ वन नेशंस। 2022 में इंडिया का रैंक है अभी 135 थर्टी फाइव आउट ऑफ वन कंट्रीज इस इंडेक्स को आइसलैंड ने टॉप किया है और आइसलैंड इकलौती ऐसी एक कंट्री है जिसने जेंडर गैप को क्लोज किया है बाय मोर देन 90 परसेंट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मेजर करती है कि जेंडर इक्वालिटी कितनी है डिफरेंट कंट्रीज में और इसके चार डायमेंशन हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मेन और वीमेन के बीच में इसमें कितनी इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी ये पहली है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ऑपरचुनिटी दूसरी पैरामीटर है एजुकेशनल अटेनमेंट तीसरी है हेल्थ एंड सर्वाइवल और चौथी है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इन चार पैरामीटर्स के बेसिस में ही कंट्रीज़ को रैंक दी जाती है कि उन, उन कंट्रीज में जेंडर गैप कितना है और स्केल जो है वो ज़ीरो टू हंड्रेड वैरी करता है इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ और रिपोर्ट्स भी निकालती हैं जिनमें आते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हेल्थ एंड सर्वाइवल वाली जो पैरामीटर है जो डायमेंशन है उसमें इंडिया का रैंक इस बार रहा 146 मतलब इंडिया वर्ल्ड की वर्स्ट परफॉर्मर है हेल्थ और सर्वाइवल में वेमेन जो है वो बहुत ज्यादा पीछे है इन कंपैरिजन टू तो मेन और इंडिया को अगर जेंडर इक्वलिटी को अचीव करना है तो इसमें और भी अभी 132 साल लग जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट नॉट ओनली दैट इंडिया ने अपनी नेबर्स के कंपैरिजन में बहुत ही पुअरली परफॉर्म किया है बांग्लादेश का रैंक रहा 71, नेपाल 96, श्रीलंका 110, मालदीव्स 117, भूटान 126. इनसे भी पीछे है इंडिया दैट इज 135. इंडिया से थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने ईरान ने इंडिया का स्कोर रहा 0.629. नाइन और रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब मेन एंड वेमेन जो आ, इकोनॉमी में लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें भी श्रिंकेज देखने को मिला है मेन भी कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं दे आर पार्टिसिपेटिंग लेस बाय नाइन पॉइंट फाइव परसेंट और वेमेन भी बाय थ्री परसेंट श्रिंकेज हुआ है